Hey you guys, it's Shruti. Welcome back to another jewelry haul. Today we are doing Navratri specifically jewelry haul and it will be oxidized jewelry. Also, before we start, if you're new to this channel, mera naam Shruti hai. I make travel, lifestyle and fashion content over here. If you like it, make sure that you subscribe to my channel, hit that bell icon so you do not miss out any of my content. So without any further ado, let's get started. So all the links of the jewelry will be linked below in my description box, so आप वहाँ पे check out कर सकते हो. So पहले start करते हैं earrings के साथ. है ये colorful झुमके. Look at these झुमकास. It looks so pretty. It has a pretty good detailings. Okay, and इसके ऊपर बहुत सारे colorful crystals है जो आपको कोई भी चनिया चोली के साथ मैच हो जाएगा. एंड इट लुक्स प्रिटी गुड. यू डोंट हैव टू वेयर एनी चोकर इन योर नेकलाइन और एनीथिंग इफ यू आर वेयरिंग दीज काइंड ऑफ लॉन्ग बिग झुमका. सो नेक्स्ट मेरे पास ये वाले झुमका है. लुक एट इट. इट हैज अ लॉन्ग ड्रॉप एंड यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छी सी डिटेलिंग भी दी हुई है थ्रू आउट दी झुमकास. एंड यस, ये काफी बेसिक है बट बहुत अच्छे दिखते हैं विथ एनी ऑफ योर चनिया चोली और इवन इफ यू आर वेयरिंग सम कलरफुल जैकेट. सो उसके ऊपर ऐसे वाले झुमकास काफी अच्छे दिखते हैं बिकॉज इट्स वेरी वर्सेटाइल. नेक्स्ट आर दी ट्रायंगल झुमकास. दिस इज वेरी यूनिक. ओके, काफी यूनिक है. ट्रायंगल वाले बहुत कम देखने मिलते हैं एंड ऐसे वाले कलरफुल क्रिस्टल्स उसके ऊपर दिए हुए हैं एंड नीचे एक लॉन्ग ड्रॉप है विद दी झुमका. And I like the detailings on this and also this one can go with any of your outfits. So you can click the link below and shop for it. अगर आपको झुमकास नहीं पसंद है ज़्यादा, you don't want to wear long lengthy earrings while doing garba or dandiya, so you can go with such kind of basic tops. बहुत अच्छी सी detailing है ये tops पे and you can wear it with any of your chaniya choli. And this will not even discomfort you and will give you a very elegant look. Next are these earrings. आप देखोगे बहुत ही basic है but काफी अच्छे दिखते हैं आपके कोई भी outfit के साथ. आप इसे कोई भी western outfits के साथ भी style कर सकते हो and काफी lightweight है. So next let's see some of the rings which I have. Very unique one is this. ये स्नेक वाली रिंग है. काफी अच्छी दिखती है व्हेन यू वेयर इट. इट लुक्स वेरी गुड शीक एंड आपको कुछ तो बॉसी एंड क्लासी वाला लुक देना है ना, तो ऐसी स्नेक वाली रिंग्स आप पहन सकते हो. काफी बैडास लुक देती है. सो नेक्स्ट रिंग जो है मेरे पास इज दिस वन. शेप इसका राउंड है एंड इफ यू कैन सी काफी बेसिक है बट पूरे हाथ को ना पूरा भरा हुआ कर देती है. विच इज सो प्रिटी राइट. इसकी डिटेलिंग्स भी काफी अच्छी है. इसमें ब्लैक कलर का क्रिस्टल दिया हुआ है अंदर एंड यू कैन वेयर इट विथ एनी ऑफ योर चनिया चोलीज और इवन आप कोई भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी स्टाइल कर रहे हो, कोई भी कुर्ता या फिर वेस्टर्न आउटफिट्स पे, सो ऐसी वाली रिंग्स काफी वर्क करती है. नेक्स्ट आई हैव अ प्रिटी बेसिक वन विच इज दिस स्मॉल रिंग. अगर आपको ऐसे बड़े रिंग्स कैरी करना नहीं पसंद है सो आप ऐसे बेसिक के साथ भी जा सकते हो. प्रिटी. सो नेक्स्ट ये बहुत ही ज्यादा यूनिक रिंग है विच आई गॉट इज दिस वन. इसका आप ड्रॉपलेट्स देखोगे, घुंघरू का ड्रॉप है एंड आई जस्ट लव द डिटेलिंग. ये मिड फिंग में आप पहनोगे तो कितना मस्त दिख रहा है. पूरा हाथ आपको एकदम कुछ भी और पहनने की जरूरत नहीं है. इट्स प्रिटी गुड. आई जस्ट लव द डिटेलिंग ऑफ दिस वन. ऐसे महाराजा महारानी का फील्स आ रहा है इफ यू वेयर सच काइंड ऑफ रिंग्स, है ना. सो अभी हम देख लेते हैं नेक पीसेस. आई हैव दिस स्टेटमेंट पीस विच इज अ लॉन्ग नेक पीस. इफ यू सी ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है एंड ऑल्सो ये ऑथेंटिक में काउंट कर सकते हो. इट हैज दिस वेरी गुड नेकलाइन ऑफ घुंघरूज ऑल ओवर इफ यू सी. एंड इसका ना ड्रॉप आप देखोगे स्क्वेयर में है विच मेक्स इट वेरी ऑथेंटिक एंड क्लासी एट दी सेम टाइम. मुझे काफी अच्छी लगी इसकी डिटेलिंग. आई लव दी क्वालिटी एज वेल. सो इफ यू वेयर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीसेज यू डोंट हैव टू वेयर एनी अदर थिंग, जस्ट दिस एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी गरबा नाइट और डांडिया नाइट. सो या यू कैन थिंक ऑन. सो नेक्स्ट इज अ चोकर पीस. इफ यू सी इट हैज अ स्टिफ
वाला डिटेलिंग ओके एंड ये कुछ तो ट्रेन की पटरी होती है वैसा कुछ तो डिटेलिंग है एंड नीचे क्यूट सा ड्रॉप दिया हुआ है ब्लू कलर का विच गोज विथ एवरीथिंग यस इफ आई टेक इट नियर माई नेकलाइन इट जस्ट सिट्स ओवर हियर बिकॉज ये स्टिफ मटेरियल है सो आप कभी भी गरबा या डांडिया भी खेल रहे हो तो ये इधर उधर नहीं होगा बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि हमारी ज्वेलरी इधर उधर हो जाती है बट दिस काइंड ऑफ चोकर जस्ट सिट्स योर ऑल द नेक्स्ट पीस इज फॉर माई बेसिक गर्लीज इफ यू आर वन ऑफ देम देन दिस काइंड ऑफ चोकर जस्ट वर्क्स फॉर यू इट्स वेरी लाइट वेट नथिंग टू बी वेरी फैंसी अबाउट बट येट वेरी एलिगेंट एंड शीक सो यू कैन सी इट जस्ट सिट्स एंड यू आर गुड टू गो इट हैज अ वेरी प्रिटी फ्लावर डिटेल on it and it's very pinterest okay next is something extra okay agar aapko thoda sa extra feel karna hai so you can go with such kind of oxidized nath so you just have to press it and it just elevates your look and how just so pretty एंड आप इसमें ना बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं सो मैं आपके लिए लिंक कर दूंगी नीचे सो आप अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट समवेयर सो दिस काइंड ऑफ नथ जस्ट वर्क्स एंड आप वो वाले हो जो कॉम्पिटिशन करते हो फॉर दी नवरात्रि लुक्स एंड देर आर सम कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन देन नथ इज समथिंग विच विल मेक यू out of the box look and you will just stand out so next up मैं ना थोड़े sets में बताने वाली हूँ जिसके साथ earrings या फिर choker साथ में आ रहे हैं या फिर मांटीका और choker साथ में आ रहे हैं so something like that it's in these sets okay so पहला है ये वाला which is a choker ये इतनी अच्छी quality में नहीं आया है but I just love the detailings okay if you see it is in the square shape and square shape just gives you that authentic and classy look and इसके नीचे यहाँ पे drop भी दिया हुआ है I feel कि यहाँ पे भी वो drop होता तो काफी अच्छा दिखता but yeah never too less you can see all the links in my description box so इसके साथ ये वाले earrings आते हैं जो मुझे damage receive हुए हैं if you can see from the side so मैं इसे return करने वाली हूँ other than that I just love again it's very authentic so you can go for these one it's very lightweight next is a very high quality choker it looks something like this it gives you that classy look okay this choker just works on any of your chanya cholis and also iske upar jo detailing ki hui hai oh my god in such a good price they have created such a beautiful designs on it and काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी आई जस्ट लव द क्रिस्टल्स जो उन्होंने बीच वाले ऑब्जेक्ट पे दिया हुआ है विच इज सो गुड एंड इसके साथ एक ऐसे वाले इयररिंग्स आते हैं लुक एट इट इवन इट साउंड्स रियली नाइस बट नॉट द लीस्ट आई हैव अ वेरी यूनिक पीस ओके सारे ही यूनिक है ये वाला थोड़ा सा ज्यादा यूनिक है आप बोल सकते हो ऐसे वाले एक्सटेंशन वाले इयररिंग्स काफी चल रहे हैं एंड इट लुक सो गुड इफ आप वो वाले पर्सन हो जिसको हेयर स्टाइल्स बनानी नहीं आती है मेरे जैसे सो यू कैन जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ बन एंड जस्ट पुट दिस अराउंड एंड यू आर गुड टू गो सो या गो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सटेंशन वाले इयररिंग्स इट हैज अ ड्रॉपलेट ऑफ झुमका एंड बहुत काफी अच्छी वाली ये ना डिटेलिंग है ब्लैक पर्ल की एंड यस इसके साथ एक मांटीका आता है विच इज समथिंग लाइक दिस So I have worn these mantikas in many of my videos. You can see it looks so good. Last is a bonus. You can say that मैंने ये order किया था और मैंने expect नहीं किया था ये इतना अच्छा आएगा. Kind of mantikas really help. It just makes you look like a princess. Just a second, guys. So look at this I just fixed it and it just gives you that princess vibe and I am loving it just aap ek bun bana lo and uske upar aisa wala mantika dal do and you're good to go ye fix ho jata hai okay it doesn't move at all maine koi bhi pins nahi lagayi hai you can see it just stays there itself because so ye wale jo mantika hote hai ye wo move kar jate hai right you have to stick something beneath it but ye wale just sticks and you're good to go
सो या इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ये सिर्फ 100 रुपीज में बाय किया है मैंने, सो गो फॉर। नेक्स्ट अभी हम हाथों में क्या पहन सकते हैं वो वाली चीजें देख लेते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वन आई हैव, इट्स अ ब्रेसलेट कम बैंगल यू कैन से, इट हैज सम दिस काइंड ऑफ डिटेलिंग। इसके नीचे ऐसे ड्रॉपलेट है ओके, जिसको आप डिटैच भी कर सकते हो, एंड ऐसे आप देखोगे शेल्स का डिटेलिंग भी दिया हुआ है इसके अंदर, एंड यू जस्ट वेयर इट एंड यू आर गुड टू गो, इट लुक्स वेरी गुड, पूरा हाथ बहुत अच्छा भरा हुआ दिखता है। नेक्स्ट एक स्टिफ ब्रेसलेट आप बोल सकते हो, और इसको कड़ा भी बोलते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसकी डिटेलिंग काफी अच्छी है, एंड नीचे ना घुंघरू का ड्रॉपलेट दिया हुआ है। तो यार दिस लुक्स वेरी यूनिक एज वेल, कड़ा इज वेरी ऑथेंटिक एंड क्लासी, सो यू कैन ऑप्टेक्ट। तो बैंगल्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन द आउटफिट्स, टू एलिवेट द आउटफिट्स। So these are the ones which I have. It's very oxidizing, you can say, and इसमें ना कोई भी डिटेलिंग नहीं है as such. It's very big. So yeah guys, this was it from my side. I hope you guys enjoyed this small little jewelry haul of oxidized jewelry specifically. And if you did, please do hit a like button and comment में जय माता दी जरूर लिखना, and also happy Navratri. Share it with your Gujju friends. So all the links will be in my description box. So वहाँ पे check out कर सकते हो and subscribe कर देना. It really really helps me to reach more and more people. So yeah, till then keep dressing up, keep traveling, and keep watching my videos. I'll see you in the next one. Bye guys.